जल्दी जल्दी समेटता हूँ पोरा को, धूप निकल रहा है, बहुत ठंड बढ़ती है ना, तो हम लोग इस पोरा को बिछाते हैं जमीन में और उसी में लेदरा और पटिया बिछा देते हैं और सोते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग वीडियो में। और आज हम लोग पका रहे हैं, मटर बना रहे हैं, मटर आज हम लोग आलू और मटर का सब्जी बना रहे हैं। और थोड़ा सा गोभी मिलाएंगे, हाँ थोड़ा सा गोभी भी मिला। और बहुत ठंडी है इसलिए हम लोग ये आग जलाए हैं लकड़ी और ये भूसा के साथ। भूसा ये अच्छा सेकता है और लकड़ी भी कम लगता है। और इधर ये पानी चढ़ा दिए हैं थी गर्म होने के लिए, इस पानी से धोएगी मांजेगी, क्या कि कठुआ जाता है हाथ सब ठंडा पानी से। और कल बाजार गई थी तो ये गोभी भी लाई और ये मटर भी लाई। मटर तो ये महंगे है, 50 रुपये है, लेकिन क्या करेंगे, तब और सब्जी खाने के लिए मिलता है तो सब्जी खाने के लिए नहीं मिलता है तो महंगे सही। ऐसे भी तो सब महंगे था, बोल रही थी ये भी 40 रुपया किलो था। और फूलगोभी कैसे था? फूलगोभी भी 40 था, वो भी 40 था, तो कोई तो सब्जी तो लाना ही पड़ेगा, इसलिए मटर ले आई। पत्ती भी लाए हैं, सेम भी लाए हैं, और सेम भी भी लाई है, देख सकते हैं ये भी 20 रुपया था। और सबसे जरूरी था हम लोग का बेटी रोशनी के लिए जूती खरीदना। दिखा जूती, ये जो जूती है ना स्कूल के लिए, बहुत ठंडी लगती है और स्कूल पहन के जाना है इसलिए जूती खरीदना था। इसलिए कल हम लोग का यहाँ स्थानीय बाजार बरही बाजार लोग गए थी और खरीद के लाई। और अभी हम लोग चलेंगे खा पी के पूरा समेटने। धान मिसे हैं ना, तो धान मिसे हैं और पूरा पानी आया था तो भींज गया है, उसको समेटना है सुखा के। और उसके बाद वो जो पोरा है ना उसको अथी, हम लोग का गाय गरु तो नहीं है, बकरी है, तो उसको सोच रहे हैं उसको समेटे रहेंगे तो सोच रहे हैं एक गो बछिया लेंगे तो काम देगा, और अगर बछिया नहीं लेंगे तो बेच देंगे, क्या करेंगे। और अथी 3-4 गो आदमी लोग बोल रहा था कि हमको दीजिएगा हमको दीजिएगा, तो हम अभी किसी को नहीं देंगे, क्या कि पहले लोग पैसा देता नहीं है और उधरा ले जाता है, तो पहले जो पैसा देगा उसी को देंगे पूरा। तो चलिए दोस्त चलते हैं हम लोग का पूरा समेटने। देखो देखो भात पक गया कि क्या, उधर पानी अटा गया है, पका हो तो पसा दो और ये आलू मटर को चढ़ाओ सब्जी तुरंत। थे आजकल बेरा हो जाता है, पातो नहीं चलता है, 9-10 बज जाता है ठंडी ठंडी में घरे घर में। और ये घर हम लोग का है अल्वेस्टर का, यहाँ पूरा धुआं काला काला हो गया है और धुआं भी भर जाता है। और उधर खपरा का घर बना रहे हैं एक ठो हम लोग, उसमें करेंगे सोच रहे हैं चूल्हा, ये कहे कि पूरा इसमें धुआं भर जाता है। एक ठो खिड़की छोड़े हैं यहाँ पर, इसको खोलते हैं तो ठंडी हवा घुसती है। और आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग का बाहर का नज़ारा आंगन का और ठंड कैसी है। तो ये रहा हम लोग का किचन रूम, और किचन रूम में ही हम लोग का एक चौकी है, उसी में सब सामान बिदड़ल है। और हम लोग का ये रहा बाहर का नज़ारा, ये है हम लोग का आंगन। आंगन में साइकिल खड़ा है और उधर जो देख सकते होंगे वो हम लोग उधर खपरा का घर बना रहे हैं, उसमें चूल्हा बनाएंगे बोल रहे हैं, कहे कि यहाँ एल्बेस्टर के घर में धुआं भर जाता है पूरे। तो ये रहा मेरा आंगन, और आंगन के इधर है ये जो हम लोग घर पारे साल बना रहे थे उसका भी वीडियो डाला है। इसको हम लोग पैसा कौड़ी के अभाव में छाड़ने नहीं सके, और इंदिरा आवास के आश्रम में बहुत दिन थे, इंदिरा आवास मिलते मिलते मिला नहीं, तो हम लोग दोनों जानी मरा दाम सा गए एकदम और अपने से शुरू कर दिए। और अपने से शुरू करने के बाद हम लोग अपने से बनाना शुरू कर दिए,
और कुछ दिन तो ऐसे मिट्टी से बना बना के अथी किए, और बरसात में छारने नहीं सके तो इधर पानी उतर के इसको भी धंसने खोज रहा था। और यह हम लोग का ये घर का अंदर का नज़ारा, इधर जिधर छारने नहीं सके उधर तिरपाल को डाल दिए। एक रूम ये हुआ और एक रूम इधर है, इधर इधर भी हम लोग का का रखे हैं। इधर गुर्रा मट्टी है, इससे हम लोग घर को लिपते हैं। और यह अगला रूम है ये वाला, ये तो इधर ऊपर देख सकते हैं, इधर हम लोग खपरा से छार दिए हैं, इधर इधर भी छार दिए हैं। इसमें लाइट नहीं लगाए हैं तो अंधेरा है। और एक रूम इधर है, इधर भी दरवाजा छोड़े हैं, तो इधर है एक रूम। तो इस तरह से हम लोग यही खपरा घर में पकाएंगे, तो ये लकड़ी का चूल्हा खपरा घर में अच्छा होता है, धुआं पूरा निकल जाता है और गर्मी के दिन में भी अच्छा लगता है। और ये रहा हम लोग का गुहार, इस गुहार में से मुर्गियां निकल रही है, और इस गुहार में बकरी है 3 गो और बच्चे हैं 3 गो। तो उनको मैं ढाप दिया हूँ खाचर से, कहे कि ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दिखाते हैं अंदर, निकलो रे मुर्गी से, निकलो। तो देख सकते हैं अभी उधर वो भी पी रही है, ये भी पी रही है। अभी इसको पिला के फिर से ढाप देंगे। तो ये बकरी का बच्चा लोग दूध पी चुकी है, उधर 2 गो गोली गोली है और इधर 1 गो करिया है। ये लोग दूध पी चुके हैं, अभी लोग बाहर रहे हैं, पेशाब उशाब करेगा, उसके बाद इसको, अभी ठंडी है तो अभी नहीं निकालेंगे, अभी इसको ये जो खाची है ना, इस खाची में फिर से ढापेंगे, ऊपर से बोरा को ढापेंगे और ये तिरपाल को ढापेंगे। तो और नीचे पूरा डिसा दिए हैं ताकि इसको ठंड ना लगे। तो फिर धूप होगा 8-9 बजे तब इनको निकालेंगे। अरे अरे दूध पी लिया तुम लोग रे, दूध पी लिया रे, ये लोग दूध पी लिया है। अब इसको चलते हैं इसी खाचा में अंदर कर देंगे। हाँ उधर किधर चल रहा है, तो दूध पी गए लोग, तो ला ला तो खाचा में घुसा, बहुत ठंडा है। चलो चलो हाँ खाचा में घुसा, घुसो रे घुसो, घुसो। हाँ जल्दी हाँ करिया को भी ला, अरे करिए, कलुआ अरे करिए। कलुआ इसको भी घुसो घुसो इसमें घुसो ढापो जल्दी। ढाप दो। हाँ बोरा कोढ़ाओ, बोरा बोरा कोढ़ाओ बढ़िया से। हाँ अरे इधर है वो बकरी है। हाँ इधर है वो बकरी है, तिरपाल को भी ढाप दो। पकड़ो तो इस तरह हम लोग बकरी का बच्चा को पठरू को दूध पिला चुके हैं। और अभी धूप होगा, उधर से सूरज निकलेगा तभी निकालेंगे पठरू को। चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी भात तीन पकाएंगे, उसके बाद चलेंगे पूरा समेटने। और बकरी ढापने के बाद मेरी बेटी रोशनी उधर झाड़ू कर रही है, और मेरा चेंगना लोग भी इधर चारा मांग रही है, इधर छोटा छोटा है तो इन लोग को बुलाते हैं। ते 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 लो रे लो, ते 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 आ जाओ, आ चारा खाओ। तो छोटा छोटा मेरा मुर्गी लोग है, इसको मैं बुला के चारा देता हूँ डेली ऐसे ही। और ये लोग बढ़ेगा तो इन लोग को बेचते हैं हम लोग, और बेच के हम लोग का कुछ बहुत इससे भी इनकम होता है। तो देहात में तो इनकम का यही सब जरिया है, खेती बाड़ी है, मुर्गी है, छिगरी है, और तो कुछ है नहीं। और नहीं तो किसी का ये करने जाओ, मजदूरी करने जाओ, तबे पैसा होगा। लो लो चारा लो, मत ठोठना, छोटका मुर्गी सबको बड़का ठोठती है, एकदम मुरा देती है कभी कभी।
और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, और सुबह के 8 बजने के बाद भी आप लोग देख सकते होंगे ये बादल छाया हुआ है, इसके कारण से पूरा धूप नहीं निकल पाया है। फिर भी मैं अपने बकरियों को निकाल दिया हूँ, कहे कि लोग गुहार में अनसा रहा था, मैं बोल रहा था, तो मैं इनको निकाल दिया हूँ। और अभी धूप आएगी तो इन लोगों का ठंडा भागेगा। इन लोग को लिए ये हम लोग जो मटर का सब्जी बनाए उसकी का चोपा को दे दिए हैं, तो मटर का सब्जी खाओ दाना का, और इसको चोपा को बकरी का दो। और इधर मेरी मैडम जी मेरी मुर्गियों के लिए चारा दे रही है, छोटा के लिए मत देना भात को, बड़ा बड़ा मुर्गी के लिए दो, छोटा खाएगी ना थी भात को तो बीमार पड़ जाएगी। हाँ भगा उसको, हाँ खाली बड़ा लोग को भर दो। तो हम लोग का ढेरे बड़ा बड़ा मुर्गा था दोस्तों, लेकिन यहाँ इधर जो है ना एक जंगली बिल्ली जिसको हम लोग बाड़ो बोलते हैं, वो हम लोग का आंगना में आके बहुत सा मुर्गी को उठा उठा के ले गई खा गई, इसलिए थोड़ा ही बचा हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा ही मुर्गी था, अब जो है सो इतने ही है। तो मैं अपने बकरियों को निकाल चुका हूँ और मुर्गी लोग को भी निकाल चुका हूँ, और उसको दाना पानी भी मिल गया। अब मैं चलता हूँ पोरा समेटने, और पोरा समेटने के लिए ये रहा मेरा अखैन, इसको हम लोग अखैन बोलते हैं बांस का, इसी से समेटेंगे पोरा को। पोरा भीग गया है तो उसको पसारेंगे, और पसारने के बाद जब वो सूख जाएगा तो उसको एक जगह जमा कर देंगे, और जमा करने के बाद हम लोग का ये बैल बकरी तो नहीं, बैल तो नहीं है बकरी है, तो बैल नहीं है तो पोरा रख के क्या करेंगे। पोरा को अगर सोच रहे हैं एक आध गो बछिया लेंगे, तो बछिया लेंगे तो पोरा का ज़रूरत पड़ेगा, और अगर बछिया नहीं लेंगे तो पोरा को क्या करेंगे, इसको बेच देंगे। और दो तीन जन लोग बोला है कि मतलब हमको दीजिएगा पोरा, वो बोला है हमको दीजिएगा, तो जो पहले पैसा देगा उसी को देंगे। और आप लोग देख सकते होंगे हम लोग का ये रहा खरिहान जिसमें हम लोग धान मिसे थे, पीछे तरफ ये दूसरे लोग का पुआल है, और ये है टांगरा, टांगरा जिसको हम लोग ये देख सकते हैं, ये टांगरा चट्टान इसी में हम लोग मिसते हैं। और ये टांगरा होने का ये फायदा है कि हम लोग को खरिहान को छीलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और बहुत जगह बहुत गांव में तो ज़मीन में ही लोग मिसता है, तो खरिहान को छीलना पड़ता है, लिपना पड़ता है, वो हम लोग को छीलना लिपना नहीं पड़ता है। तो ये रहा मेरा पुआल, इसको इधर इधर पहले पसार देंगे, अभी धूप हो रहा है तो धूप में सूखेगा, उसके बाद इसको समेट देंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा मेरा पुआल, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पूरा चट्टान है, और उधर भी चट्टान है, वहाँ पर उधर चट्टान है, वहाँ धान घाटल है, उसको भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं उधर वहाँ पर है मेरा पुआल, और इधर आए हैं हम दूसरा खरिहान में, इधर भी है चट्टान, यहाँ धान घाटल है, और उधर पीछे जो ऊंचा दिख रहा है वो इस गांव का चर्च है। और इधर आगे दिखाते हैं हम आप लोगों को, इधर इस चट्टान में धान घाटल है, और इस चट्टान में अभी ठंडा का सीज़न है, तो ठंडा का सीज़न में ये चावल अच्छा बनता है, इसलिए सब टांगरा में सगरों एकदम धान घाटल है, लोग उसना उसना के अपना धान घाटे हुए हैं, जिधर देखिए उधर धान ही है, इधर भी धान है, और इधर नीचे है ये देख सकते हैं, ये है टांगरा, और इस टांगरा में भी धान घाटल है, यहाँ कायझन सब अपना अपना लोग धान घाटा है, ये एक घर का है, और उधर अलग है वो एक घर का है, और इधर भी ऊपर में भी देख सकते हैं, इधर भी धान है, इधर मकई है, और उधरों धान है, और ये हम लोग का बड़ा गाछ है बरगद का पेड़, और उसके बाद इधर ये एक जन का है, और
वो भी एक जन का है अलग, इधर है, इधरों धान है। और यहाँ अभी लोग लाया है थोड़ा सा डबका के उसना के, और इधर है, और जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ धाने घाटल है। कहे कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो ये धान मतलब ठंडी के दिन में इससे अच्छा चावल बनता है। और आजकल जलावन भी मिलता है, और ठंडी में लोग आग भी ताप लेते हैं धान को पकाते हुए। तो ये रहा मेरा अखैन, और इस अखैन से अब मैं चलता हूँ इस पोरा को, इधर करूँगा। और अभी ये सूरज का रोशनी निकल रहा है तो धूप लगेगा, तो ये पोरा पानी आया था ना तो पूरी तरह से भीग चुका है, तो इसको अभी मैं इधर करूँगा और सूखने के बाद इसको फिर से समेट देंगे। जल्दी जल्दी समेटता हूँ पोरा को, धूप निकल रहा है। तो देख सकते हैं इतने इतने पोरा को अभी हम समेट दिए हैं। और जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, पानी भी आया है, तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण बहुत ही ठंड लगती है। और जब बहुत ठंड बढ़ती है ना तो हम लोग इस पोरा को बिछाते हैं ज़मीन में, और उसी में लेदरा और पटिया बिछा देते हैं और सोते हैं, तो कैसनो ठंडा रहे ये ठंडी नहीं लगती है। तो इस तरह से हम लोग अपना बिस्तर पुआल का बनाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो पोरा समेटने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से हमारा ब्लॉग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।